मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने एक बड़ी लूट की वारदात के बाद नकली और लो क्वालिटी के हीरे बेचने वाले गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल हैं। इस मामले में आरोपियों ने छिंदवाड़ा के एक व्यापारी को पहले ठगने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उससे के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की पड़ताल में खुलासा हुआ कि आरोपी नागपुर से लो क्वालिटी के हीरे खरीदकर उन्हें असली बताकर व्यापारियों को ठगने की फिराक में थे। उनके पास से बरामद हीरों की कीमत 55 लाख बताई जा रही है, जिसे वह 2.5 करोड़ में बेचने की योजना में थे। बेचना चाहते हैं क्या? तो बिना टैक्स के, बिना सर्टिफिकेशन के छोटे छोटे जो सुनार हैं वो खरीद लेते हैं और फिर वो अपने ज्वेलरी में नहीं मांगते हैं, डायमंड की ज्वेलरी भी खरीदते हैं। बड़े शोरूम वाले तो विद सर्टिफिकेशन और पूरा वो सर्टिफाई करके ही देते हैं, छोटे छोटे और वहाँ पे फिर पहली डील तो ठीक हुई। काम बंद होने वाला खाना तो मेरा था मतलब ये क्योंकि सराफा बंद था पर एक दूसरे से इनका संपर्क तो बना रहता है सुबह से, तो वो आए होंगे। और ये 31 तारीख को एक लूट की घटना हुई थी। प्रिंस सोनी नाम का फरियादी था, जिसकी सोने चांदी की दुकान है छिंदवाड़ा में, जो सोना चांदी और डायमंड्स में डील करता है। तो इनको 4 लोगों ने ठगा, इस प्रकार की रिपोर्ट आई थी हमारे पास, और लूट के इनसे काफ़ी कुछ मशरूका ले गए, डायमंड्स भी ले गए, इनके पैसे भी ले गए, इनका बैग भी छीन कर ले गए थे। तो इस प्रकार की रिपोर्ट आई, इसी आधार पर हम लोगों ने SIT का गठन किया। और इस SIT में जो SDOP बैतूल हैं श्री नितेश पटेल और SDOP मुलताई नम्रता सोंधिया, और इन्हीं के साथ ही हम लोगों ने जो थाना प्रभारी रखे थे वो थाना प्रभारी आमला, थाना प्रभारी साईखेड़ा, थाना प्रभारी बैतूल बाज़ार और थाना प्रभारी मुलताई और थाना प्रभारी शाहपुर। जिस थाने में ये FIR दर्ज हुई है वो थाना गंज है बैतूल का, जहाँ पे मुख्य रूप से पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें 31 तारीख को जैसे ही हमारे पास रिपोर्ट आई, SIT ने चारों तरफ हम लोगों ने सर्चिंग की, CCTV के आधार पे कुछ फुटेज हमको मिले और उसी आधार पे हम लोग आगे बढ़े और 8 आरोपियों को इसमें राउंड अप किया। आरोपियों के मिलने के बाद ये चीज़ संज्ञान में आई कि इन आरोपियों ने फरियादी से पहले भी डीलिंग की थी, कुछ दिन पहले छिंदवाड़ा में ये डायमंड्स बेच कर आए थे, जिसके बदले में उसको पैसे भी मिल गए थे वापस। और इसमें ये भी एक एंगल आया है, जब सर्चिंग की गई इन आरोपियों के घर में तो कुछ कैप्सूल्स, खाली कैप्सूल्स भी मिले हम लोगों को, कैप्सूल्स के रैपर भी मिले। तो इनसे ये पूछताछ में मालूम चला कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये कैप्सूल का प्रयोग करते थे। चूँकि अभी 31 तक कंप्लीट लॉकडाउन की स्थिति में था बैतूल और छिंदवाड़ा और आसपास के जो सीमावर्ती ज़िले हैं और जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है, वहाँ पर बहुत टाइट सिक्योरिटी थी, काफ़ी आने जाने वालों की सघन चेकिंग की जा रही थी और अंदर भी इंटरनल काफ़ी चेकिंग पॉइंट्स लगे थे। तो इन सब से बचने के लिए इन लोगों ने कैप्सूल का सहारा लिया और इस खाली कैप्सूल में वो पाउडर निकाल के इन्होंने डायमंड्स जो हैं वो इस तरह से भर के और ये एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और सेल करते थे। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।